एवरीवन, मैं हूं प्रति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइस, आज फिर से हम लोग एक बार देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओके, सो चलिए गाइस, ये एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं बस उतने ही मैसेजेस आपने रखने हैं। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं वो मैसेजेस किसी और के लिए हैं। गाइज देखिए, मैं आपसे फिर आज एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ इतने दुखी मत होए गाइज प्लीज़। और आप ये जो इस तरह की बातें करते हैं कि आपको जीना नहीं है और इस तरह की सोच रखते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है गाइज। प्लीज़ अपने आप से प्यार करना सीखिए। हमारी अपनी ज़िंदगी से इम्पॉर्टेंट और हमारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह के ख्याल जब आपके दिमाग में आते हैं तो प्लीज़ एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचिए। उन्होंने आपको इतना प्यार से बड़ा किया है पाल पोस कर, तो इसलिए तो नहीं बड़ा किया इतने प्यार से कि आप किसी और के लिए अपनी जान देने की बातें करें, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज, थोड़ा अपने आप पर ध्यान दीजिए और खुद को संभालिए, खुद से प्यार करिए, खुश रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा ज़िंदगी में। ओके, ऑल राइट, ईट हेल्दी, डू एक्सरसाइज एंड लव योरसेल्फ। ओके, चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। यूनिवर्स, माय गाइड, माय गॉड, माय एंजल्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें यूनिवर्स और बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। द टावर, ओके यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें। यूनिवर्स, ओके, ओके, सो वी हैव द टावर एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, वी हैव द हायरोफेंट। ओ माय गॉड, यहाँ पर तीन तीन क्वींस हैं। ओके, एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ओके, ठीक है, ऑलराइट, The devil, okay. Universe, please give me 3 more cards. और ये reading मुझे कुछ ज़्यादा ही interesting नज़र आ रही है guys. Okay, Taurus and Virgo यहाँ पर किसी के लिए strong निकल कर आए हैं guys. यहाँ पर okay. And this is the card of departure guys. See. Okay. यहाँ पर हमारे पास दो card आ गए हैं guys. यूजुअली हम ये एक्स्ट्रा कार्ड्स नहीं लेते हैं, बट आज हम ये एक्स्ट्रा कार्ड्स भी ले लेंगे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, ठीक है, और ये देखिए गाइज, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो गाइज देखिए, यहाँ पर हमारे पास सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं और चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। हमारा फर्स्ट कार्ड ये बताता है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। गाइस, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर वाली जो रीडिंग है वो हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और हर एक दिन कभी भी हमको ऐसा कुछ निकल कर यहाँ पर नहीं आता है कि आज ये दोनों एकदम अच्छे से हंस खेल रहे हैं, अच्छे से इनकी ज़िंदगी बीत रही है, ऐसा हमारे पास अभी तक कोई रीडिंग में निकल कर नहीं आया है।
बीच में यहाँ पर एक हफ्ते में हमारे पास ऐसा रीडिंग निकल कर आया था जिसमें कि मैंने आपको कहा था कि आपके जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। ओके, क्या इस रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ ताकि हमको एक कनेक्टिविटी रहे कि अब तक हमने जो रीडिंग्स निकाली हैं उनमें क्या चल रहा है। ऑलराइट, तो चलिए गाइस बिना कुछ देरी किए हम रीडिंग को करते हैं शुरू। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर हमारे पास टावर का है। गाइस इन दोनों की लाइफ में या तो कुछ ऐसा हुआ है या कुछ होने वाला है जहाँ पर कि टावर मोमेंट आने वाला है, और जब ये टावर मोमेंट आता है गाइस तो यहाँ पर रिश्तों के बचने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है, या फिर ज़ीरो यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं विद दिस टावर कार्ड। आप अगर इस कार्ड में देखें तो ये देखिए टावर है, यहाँ पर मैं आपको एक क्लोज व्यू देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये लेडी गिर रही है, यहाँ पर ये जेंट्स गिर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनके घर का जो फाउंडेशन है वो पूरा यहाँ पर ध्वस्त होता हुआ नज़र आता है। ओके, तो विद दिस टावर कार्ड गाइज ऐसा फील मिलता है कि इन दोनों की लाइफ में या तो कुछ हो गया है या तो कुछ होने वाला है, जिसके कारण कि इन दोनों की जो रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है वो पूरा यहाँ पर मुझे बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स गाइज यहाँ पर क्लियर फील मिलता है कि कोई तो है यहाँ पर, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स में यहाँ पर बात कर रही हूँ गाइज, यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई है जो इनको बहुत प्यार करता था जो अब इनकी ज़िंदगी में अवेलेबल नहीं है। एक सिचुएशन तो यहाँ पर ये बनती है, दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये बनती है कि इन्होंने किसी को यहाँ पर खो दिया है, और अगर इनको लगता था कि ये इनसे प्यार करते हैं यहाँ पर, तो अब इनकी जो गलत फहमियाँ हैं वो यहाँ पर दूर हो गई हैं। कुछ लोगों के केस में गाइस यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अभी भी अपना पूरा हक यहाँ पर जताए हुए हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पर ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पर गाइस, आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो कंट्रोलिंग एनर्जी एक यहाँ पर निकल कर आई है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपके पार्टनर की मदर भी हो सकती है, उनकी स्पाउस भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, या फिर कोई यहाँ पर इनकी फीमेल फ्रेंड हो सकती है। ओके, जो इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो कंट्रोल है बहुत कुछ ज़्यादा अभी यहाँ पर असर करता हुआ दिखाई नहीं देता है, बिकॉज इस कार्ड के जस्ट नीचे हमारे पास हर्मिट का कार्ड आया हुआ है गाइस, विच सेज कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा एक डिटैचमेंट की फीलिंग में चले गए, एक अलोननेस की फीलिंग में चले गए हैं। इनको अभी ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, या नहीं हुए हैं तो होने वाले हैं, इस तरह का फीलिंग यहाँ पर मिलता है। विद दिस हायरोफेंट यहाँ पर गाइस एक क्लियर फील मिलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक समाज को दिखाने के लिए साथ में रहा जा रहा है, अदरवाइज इफ़ यू कैन लुक एट दीज कार्ड्स, इस कार्ड को अगर हम ऐसे सीधा देखते हैं तो फोर ऑफ वॉन्स शादी का भी कार्ड होता है, बट ये कार्ड हमारे पास यहाँ पर रिवर्स में निकल कर आया है। सो दिस कार्ड इन रिवर्स सेज कि यहाँ पर जो है अगर आप में से कई लोग जो है मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, और आप में से कई लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपको किसी और के लिए छोड़कर चले गए, या फिर इनकी इंगेजमेंट होने वाली है या किसी और के साथ ये इंडल्ज हो गए हैं। तो ये जो पर्सन है ये जिस भी रिलेशन में जिस भी सिचुएशन में है, यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर रिलेशन की बात कर रही हूँ विद दीज टू कार्ड्स, तो यहाँ पर गाइस सिचुएशन कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल मुझे नज़र आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो सेलिब्रेशन था इनके इंगेजमेंट का या इनके रिलेशनशिप को आगे ले जाने का या फिर इनकी शादी थी, तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं, और दिस कार्ड इन रिवर्स सेज मोस्टली सेपरेशन। ओके, सो यहाँ पर एक सेपरेशन वाली भी मुझे फीलिंग मिलती है। आप में से कुछ लोग हैं जिनके जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी हैं उनके बीच में, उन दोनों को ही पता है कि मोर देन वन पार्टनर जो है उनकी लाइफ में है, इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा पार्टनर्स अवेलेबल हैं, और इन दोनों को ही ये बात पता है, लेकिन फिर भी ये जो दोनों हैं इस रिश्ते को यहाँ पर चांस देते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज यहाँ पर मुझे इस रीडिंग में ये समझ में आता है कि यहाँ पर 70% लोग ऐसे हैं जिनके जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी हैं उनके बीच में कुछ रिलेशंस यहाँ पर बहुत मुझे अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पर ना सिर्फ इनके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है बल्कि इनको पेंटिकल्स का भी यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस होने वाले हैं और इनको
फिलहाल ये जो है एक बड़े फाइनेंशियल क्रंच से भी यहाँ पर गुजर रहे हैं। गाइज, आप में से कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी मुझे स्ट्रांगली इस रीडिंग में निकल कर आती हुई दिखाई देती है कि जो थर्ड पार्टी है वो प्रेग्नेंट है यहाँ पर। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं भी है तो यहाँ पर बच्चों का स्ट्रांगली मुझे इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है, जिसके कारण आपके जो पार्टनर हैं अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन और भी मुझे बनते हुए दिखती है, और वो सिचुएशन ये है कि इस बच्चे के आने के कारण शायद आप में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ। गाइज, ये बात सबके लिए अप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होती है। एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर हैं जिनके जो थर्ड पार्टनर हैं उनकी वाइफ शायद यहाँ पर प्रेग्नेंट है और उनकी लाइफ में कुछ नए चेंजेस आने वाले हैं, और शायद इन चेंजेस को लेकर वो अपने रिश्ते के बारे में एक बार और सोचेंगे। लेकिन क्योंकि हम ये एक अभी फ़िलहाल की एनर्जीज चेक कर रहे हैं गाइज, तो ये अभी कहना मुश्किल है कि ये जो सोचेंगे तो ये वो सोचना क्या होगा, इनका डिसीजन क्या होगा, राइट? तो सो सॉरी गाइज, तो यहाँ पर ये कहना गाइज बहुत मुश्किल है कि ये आगे क्या करने वाले हैं। ऑलराइट, सो गाइज, यहाँ पर अगर आपके पार्टनर कुछ बुरे एडिक्शंस में थे, अगर कुछ ड्रग्स लेते थे, ओवर ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम था, चेन स्मोकर थे, या इनको कुछ फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड अगर कोई भी एडिक्शन थे, तो उस एडिक्शन से ही अब मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं। अपनी लाइफ में कुछ भी अननेसेसरी और अनवांटेड जो भी इनके बैड हैबिट्स थे, वो हैबिट्स को ये छोड़कर उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हुए यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं मुझे। और अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ये ऐसा करने वाले हैं। विद दीज टू कार्ड्स गाइज, ये देखिए, एंड दिस इज द थर्ड कार्ड। विद दीज थ्री कार्ड्स यहाँ पर एक क्लियर फील मिलता है। देखिए गाइज, दिस इज द कार्ड ऑफ फाइनल डिपार्चर फ्रॉम रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप से फाइनल डिपार्चर का कार्ड है गाइज। तो आपके जो पार्टनर हैं पूरे डिपार्चर के मोड में आ चुके हैं यहाँ पर, और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है तो थर्ड पार्टी की एनर्जी है। ये जो है बिल्कुल इस रिलेशन को छोड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं आप। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स यहाँ पर एक क्लियर फील मिलता है कि इस रिलेशन में इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको एक डिसेप्शन दिया गया है यहाँ पर, इनके साथ डिसऑनेस्टी के साथ कोई पेश आया है, जिस वजह से इनको यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हुई। अपेरेंटली ये कार्ड ये भी शो करता है कि फाइनेंशियली यहाँ पर सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं और इस वजह से ये यहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ गोइंग थ्रू अ रफ पैच ऑफ रिलेशनशिप। सो गाइज, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से चीज़ें कुछ बहुत खास अच्छी नहीं नज़र आती हैं कुछ लोगों की लाइफ में। हालांकि विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ नए चेंजेस आ सकते हैं, बट वो चेंजेस वहाँ पर कितने दिनों तक रुकेंगे वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए गाइज, यही सब कुछ अभी हमारे लिए रीडिंग में निकल कर आया है, बट एक फाइनल चेक के लिए जेन से थोड़ा चेक करने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए इसमें और क्या मैसेजेस हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में और क्या चल रहा है जो हमें जानना ज़रूरी है। ओके, सो एक फाइनल चेक कर लेते हैं गाइज। ओके, सो यूनिवर्स, माई गाइड, माई गॉड, माई एंजल्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है जो मेरे व्यूअर्स को जानना फिलहाल ज़रूरी है। ओके, सो यूनिवर्स कुछ कार्ड्स दे दीजिए, कुछ कार्ड्स और दे दीजिए यूनिवर्स, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको यहाँ पर मिल सके। यूनिवर्स प्लीज़ कुछ कार्ड्स और दे दीजिए। ओके, यूनिवर्स कुछ कार्ड्स और दे दीजिए प्लीज़। क्या बात है गाइस, कार्ड्स निकल कर नहीं आ रहे हैं। ओके, वी हैव टू कार्ड्स। ऑलराइट, देख लेते हैं हमारे पास दो कार्ड्स में क्या निकल कर आया है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस गाइस, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ योर पार्टनर। अकेलेपन में चले गए हैं, डिटैचमेंट में चले गए हैं, एग्जॉशन है, सप्रेशन की फीलिंग का यहाँ पर मुझे पूरा एहसास मिलता है। यहाँ पर वो शेयरिंग तभी कर सकते हैं जब उनके पास वो लव होगा देने के लिए। सो गाइज, यहाँ पर एक प्यार की बहुत ही कमी होते हुए मुझे नज़र आ रही है। ओके, ऑलराइट, यूनिवर्स प्लीज़ गिव अस टू मोर कार्ड्स।
दो कार्ड्स और दे दीजिए। एंड गाइज वी हैव रिसीव्ड 3 मोर कार्ड्स। देखिए गाइज फ्लावरिंग का यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया है, हमारे पास यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड है एंड अगेन वी हैव रिसीव्ड द कार्ड ऑफ आउटसाइडर। तो ओके सो गाइज यहाँ पर देखिए क्लियर फील मिलता है कि अगर फ्लावरिंग तभी होगी इस रिलेशन में या इस सिचुएशन में जब यहाँ पर इस रिलेशन को प्रॉपर वाटरिंग की जाएगी। पर यहाँ पर इस रिलेशन में ना तो कोई इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है इन दोनों में से, और ना ही यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर रेडी है। जो चीज़ें जैसी यहाँ पर हो रही हैं बस एक फ्लो के साथ ये लोग जा रहे हैं। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर ज़रूरत है। देखिए गाइस जैसे कि ये बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है, गेट यहाँ पर देखिए गाइस लॉक ओपन है लेकिन उसका ध्यान सिर्फ इस बंद दरवाजे पर है। तो यहाँ पर गाइस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कि इनको एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ये यहाँ पर वाइसली चाहे तो अपने थोड़ी मैच्योरिटी के साथ में ये इस सिचुएशन से यहाँ पर बाहर आ सकते हैं, और ये यहाँ से बाहर निकल भी जाएंगे गाइस, क्योंकि ये कम्प्लीट अलोननेस की एक फीलिंग में चले गए हैं, कम्प्लीटली डिटैचमेंट की एक फीलिंग में यहाँ पर चले गए हैं और इस रिलेशन में यहाँ पर बहुत कुछ खास अच्छा होते हुए नज़र नहीं आता है। गाइस देखिए यहाँ पर भी हमारे पास कार्ड निकल कर आया है पॉसिबिलिटीज़। सो यहाँ पर चैलेंजेस हैं लेकिन पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, तो इन चैलेंजेस को यहाँ पर इनको ओवरकम करना पड़ेगा, विच आई डोंट थिंक दे आर रेडी टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, बिकॉज यहाँ पर एक ईगो, एक डिटैचमेंट और एक सेल्फ सेंटर्डनेस की फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आती हैं। सो गाइज यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।